वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेंसडे, अभी 12 o'clock हुआ है और जस्ट हम लोग शावर लेकर आए हैं और अभी मैं फटाफट से रेडी होंगी, उसके बाद मैं लंच प्रिपेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ। शावर के बाद सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ इस ओले रीजेनरिस्ट क्रीम से। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे इसका रिव्यू करने के लिए बोला था जब मैंने इसे कॉस्को हॉल में दिखाया था। सो दिस इज़ माय थर्ड बॉटल एंड अब मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है। एंड इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन लाइक माइन देन आई वुड से यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और क्रीम के बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ जो कि है सुपर गूप का। ये मैंने आपको अपने स्किन केयर रूटीन में भी दिखाया था। ये काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, अगेन बहुत लाइट वेट है, चिपचिपा नहीं है बिल्कुल भी, और सारे एक्सपोज्ड एरियाज़ में मैं अच्छे से इसे लगाती हूँ। सनस्क्रीन मस्ट है नो मैटर कहाँ पे आप रहते हैं, स्पेशली अगर आप बहुत हाई ब्राइट सनशाइन एरियाज़ में रहते हैं तो सनस्क्रीन के बिना तो यू शुड नेवर स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। तो देखिए मैंने अच्छे से पैट करके अपनी स्किन पे सनस्क्रीन इस तरीके से लगा लिया है। और मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, जस्ट सनस्क्रीन और उसके बाद काजल लगा लेती हूँ, क्योंकि काजल के बिना मेरा फेस काफ़ी रोया रोया सा अजीब सा लगता है और पीछे से अनिरुद्ध मेरे साथ खेल रहा है। और अपने हाथ और पैरों को भी आप ड्यू इम्पॉर्टेंस दिया करिए, बिल्कुल इनको भी क्रीम की ज़रूरत रहती है। तो बॉडी लोशन आप अच्छे से लगाएं, हो सके तो दिन में दो बार लगाएं, एक बार सुबह एक बार रात को। बट आई कैन अंडरस्टैंड वी मॉम्स डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि नहाने के बाद एक बार ज़रूर अपने हाथ पैरों को भी मॉइस्चराइज कर लूँ अच्छे से। और बस यही मेरा सिंपल सा रूटीन रहता है तैयार होने का। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज हम लंच में बनाने वाले हैं, एक्चुअली मैंने अनिरुद्ध को कल प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसके लिए लंच में पास्ता बनाऊंगी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, जैसे वो मुझे बोल रहा है कि मम्मा पास्ता खाना है पास्ता खाना है, तो मैंने सोचा आज उसकी विश पूरी करते हैं। तो मैंने पास्ता बॉईल करके रख लिया है, मैं बीट पास्ता यूज करती हूँ और अनियन एंड टमेटो और एक ग्रीन चिली को मैंने हल्का सा सॉटे करके रख लिया है। मैं उसी की प्योरी बनाऊंगी, मैं प्योर घर के चीज़ों से ही उसके लिए पास्ता बनाती हूँ जिससे कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए उसके लिए। और मैं डिटॉक्स कर रही हूँ फॉर लास्ट 2 days, तो मैं काइंड ऑफ लिक्विड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट पे हूँ। तो अभी मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल स्मूदी। तो ये सॉटेड प्याज टमाटर मैंने ब्लेंडर में ले लिए हैं, इसकी मैं प्योरी बना लूँगी और इसी से आज मैं पास्ता बनाने वाली हूँ। और अनिरुद्ध भी मुझे बीच बीच में काफ़ी हेल्प कर रहा है, देखिए आप। मैं पास्ता घी में ही बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ अनिरुद्ध के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं अच्छे लगते। तो बस प्योरी में थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है, हरी मिर्च मैं ऑलरेडी ऐड कर ही दी थी सॉटे करते वक्त, और अब इसमें मैं पास्ता ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा ज़्यादा पास्ता बनाया है जिससे कि शाम को जब अंशुल घर आएंगे तो वो भी थोड़ा सा इसे स्पाइस अप करके खा सकते हैं। और जब तक ये पास्ता कुक हो रहा है तब तक मैं अपनी पाइनएप्पल स्मूदी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट वाटर लिया है, उसके अंदर मैंने 1 inch जिंजर पीस डाला है और 2 slices पाइनएप्पल की ऐड कर दी हैं। और जस्ट सिंपली मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी और इसे थोड़ा सा आलमंड्स के साथ गार्निश करके लूँगी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरा पास्ता भी बनके रेडी हो गया है। अभी मैं अपनी रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल स्मूदी इंजॉय कर रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आई। और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो मे बी आपको फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्ट इसका इतना ज़्यादा पसंद आए, बट इवेंचुअली जब आप इसे 2-3 दिन तक लेते रहेंगे तो आई एम श्योर इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली अगर आप टैंगी फ्लेवर इंजॉय करते हो तो। थैंक यू। और आप इसमें थोड़ी सी सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कर सकते हो एज पर योर लाइकिंग, अगर आपको हल्का सा खट्टा मीठा पसंद है तो शुगर ऐड करो, और अगर आपको थोड़ा सा सॉल्टी लेने की क्रेविंग होती है तो आप इसमें सॉल्ट ऐड करो। बट मैंने इसे एज इट इज बनाया है, जिंजर ऐड किया है इंस्टेड ऑफ सॉल्ट और इसमें थोड़े से आलमंड्स ऐड कर लिए हैं क्रंची फ्लेवर देने के लिए। पोस्ट लंच अभी अनिरुद्ध का एक्टिविटी टाइम चल रहा है, अभी हम लोग स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, कभी कभी हम स्टोरीज रीड करते हैं। घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, बट मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में से एक बार ज़रूर उसको इस तरीके से लेके बैठूँ, पर्सनल टच दूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है इस एज के बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके बच्चे इस एज के हैं तो आप ज़रूर उनको ट्राई करें कि पर्सनल टच दें।
आजकल हमारी प्री स्कूल हंटिंग चल रही है बिकॉज हम अनिरुद्ध को अब अपकमिंग मंथ्स में प्री स्कूल में डालना चाहते हैं. ही इज ऑलरेडी 2.5 ईयर्स, तो मैं सोच रही हूँ कि अपकमिंग मंथ में मैं इसे डालूँ. और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम जो है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इंडिया से. तो हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज हुए इनिशियली कि यहाँ पे स्कूल सिस्टम कैसे वर्क करता है. बट इवेंचुअली अब हमें पता चल रहा है कि बच्चे पहले प्री स्कूल में जाते हैं एंड देन दे गेट इनटू किंडरगार्टन एंड वहाँ से फिर एजुकेशन इनकी जो है प्रॉपरली स्टार्ट होती है, स्कूलिंग जो है. तो अभी वही बहुत सारे मैंने प्री स्कूल्स देखे हैं घर के आसपास ही, मैं देख रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा पिक एंड ड्रॉप इजी रहे. और मैं ऑलरेडी 2 प्री स्कूल्स को जाके विजिट कर चुकी हूँ और कल हमारी एक और प्री स्कूल के साथ अपॉइंटमेंट है, तो वो लोग पूरा प्रॉपर टूर देते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपसे हाइड करेंगे वो लोग, वो आपको प्रॉपरली टूर देंगे, बताएंगे कि वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे बच्चों के साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. और कल जो है जो प्री स्कूल में हम जाने वाले हैं वो घर के बहुत ही पास है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. और एक और बात, यहाँ पे प्री स्कूल्स में स्कॉलरशिप भी मिलती है डिपेंडिंग ऑन द फैमिलीज इनकम एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स. तो वो भी सिस्टम मुझे नहीं पता था, बट रिसेंटली ही पता चला है. और अगर आप लोगों को कोई भी नॉलेज है प्री स्कूल से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. आई एम श्योर मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं US से जिनके बच्चे ऑलरेडी इस वाली एज को पास कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा. आई एम श्योर ये मुझे तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, बाकी की कम्युनिटी को भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं. और रिसेंटली ही मैंने अनिरुद्ध के लिए कॉस्को से ये बुक्स ली थी, दे आर इरेजेबल बुक्स. तो इसके साथ जो है पेन्स भी आए थे 3 कलर के एंड दे आर वेरी नाइस, आप इनको रीयूज कर सकते हो बार बार और बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी है. एंड आई एम गेटिंग हिम रेडी फॉर द प्री स्कूल. इसको मैंने अल्फाबेट सिखा दिए, शेप सिखा दिए, कलर जैसे आते ही हैं और अब ये पेंसिल भी पकड़ना सीख रहा है. तो ही इज़ वेरी कम्फर्टेबल मेकिंग द स्टैंडिंग एंड द स्लीपिंग लाइन्स. तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि स्लैंट लाइन्स बनाए और स्टैंडिंग लाइन्स. आपको आती है? कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो? और स्लीपिंग लाइन कैसे बनाते हो? छोटी छोटी बनाते हो. कौन बनवाते हैं आपको? मामा. तो अभी बस मैं अपनी पढ़ाई ही कर रही थी और करते करते मैं काफी बोर हो गई, तो सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बातें करूं. और आप लोग काफी लोग मुझे बोलते हो कि अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करो या फोन नंबर शेयर करो जिससे आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पे कनेक्ट हो पाओ. तो देखिए, आप सभी जानते हो कि इस तरीके से अपना पर्सनल नंबर सोशल मीडिया पे शेयर करना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. तो इसीलिए मैं आप लोगों से नंबर नहीं शेयर कर पाती हूँ. बट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, तो आप अपने एंड्रॉयड या iOS फ़ोन से ऐप स्टोर पर जाकर आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऐप है. एंड उस ऐप के थ्रू आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो. मेरा यूज़र नेम सर्च करोगे रियल होम मेकिंग @CM4 और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो. वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि मैं किस टाइम पे ऑनलाइन रहूँगी और उस टाइम पे आप मुझे कॉल पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. आपको कुछ भी पूछना है या कभी कभी ऐसे ही चिट चैट करने के लिए, आप मुझसे बात करने के लिए आप फ़ोन कर सकते हो. सो आई होप आई विल गेट कॉल फ्रॉम यू गाइज समटाइम. तो अभी इवनिंग टाइम है और अंशुल भी ऑफिस से आ गए हैं. अभी हम लोग बाहर जाने के लिए रेडी हो गए हैं और उनके आते ही अनिरुद्ध बिल्कुल डैडीज़ बॉय बन जाता है. सारे काम अपने डैडी से ही कराने होते हैं उसको. मम्मी को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं ये लोग. तो बस अभी सब लोग रेडी हो गए हैं. मैं अपनी शाम की आरती करके ही जाऊंगी क्योंकि आते आते काफ़ी लेट ही हो जाएगा. और आज मेरे डिटॉक्स का सारा काम हो चुका क्योंकि अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने. आज साहब का बहुत मन था कि बाहर खाने जाएं और मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑप्शंस दिए कि मैं ये बना दूंगी वो बना दूंगी, बट उन्होंने बोला कि नहीं आज हम बाहर ही जाएंगे. तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं. बट देन वी सेटल्ड फॉर स्वीट टमेटोज क्योंकि वहाँ पे सैलड रहता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सैलड वगैरह खा लूंगी और इस तरीके से मेरा जो डिटॉक्स है वो भी रह जाएगा और साहब का मन भी रह जाएगा. इनका बहुत मन करता है हमेशा बाहर खाने. कुछ बोलोगे? ओके. तो अभी हम लोग स्वीट टमेटोज जा रहे हैं और ये वाला शेड जो है वो है टार्ट का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था. मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसा लग रहा है. मुझे बहुत पसंद आया ये शेड. बट इट इज उन्होंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था ना, ये तो बहुत अच्छा लगेगा. यस आई लव हैविंग गिफ्ट्स. थैंक यू. बट आप देते नहीं हो कुछ? देंगे देंगे करके टालते रहते हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं मिलता है. तो ये वाला शेड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली विंटर्स का तो ये परफेक्ट शेड है. और पीछे बैठा है अनिरुद्ध. से हाय.
गोविंद बेटा हाय बोल दो। हाय। हाय। आर यू एक्साइटेड? क्या खाना है आपको? एस्केलेटर करना है। ही लव्स टू डू अप एंड डाउन ऑन एस्केलेटर, तो अभी हमने उसे बोला है कि हम लोग उसे एस्केलेटर कराने लेके जाएंगे और फिर उसको रेस्टोरेंट पास्ता खिलाएंगे। क्या खाएगा गोविंद? आज उसका फुल डे पास्ता हुआ है, दोपहर में भी उसने पास्ता खाया है और अब फिर से पास्ता, बट कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारे घर से इनर साइड रोड है जहाँ पर मैं भी अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता और ये पूरा रास्ता मुझे याद है, तो काइंड ऑफ मुझे ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और देखिए कितना सुंदर आसमान दिखता है, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा सुंदर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ से हम टर्न लेके ये हमारा मंदिर आ जाता है, यही हमारा यूजुअल रास्ता रहता है जब भी हम कहीं जाते हैं। और यहाँ से फिर हम मेन रोड पे कनेक्ट होते हैं। और ये देखिए हम आ गए हैं स्वीट टमेटोस। और ये अनिरुद्ध का आउटफिट मैंने ओल्ड नेवी से लिया है, रिसेंटली ही लिया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी अगर आपको अपने बच्चों के लिए बाय करने हैं क्लोथ्स तो आप ज़रूर उनका स्टोर चेकआउट करें। और देखिए ये स्वीट टमेटोस का ह्यूज सैलेड बार है। पहले मुझे ये पत्ते खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट इवेंचुअली अब यहाँ पर रहते हैं तो मुझे ये अच्छा भी लगने लगा है खाना। और ये हमारी सैलेड थी और ये अनिरुद्ध का पास्ता आ गया है। और बस डिनर के बाद हम लोग आए हैं मेसीज अनिरुद्ध को एस्केलेटर कराने, क्योंकि हमने उसे प्रॉमिस किया था और हम ट्राई करते हैं कि हम उसे छोटे छोटे ऐसे प्रॉमिसेस करें और उनको फुलफिल भी करें, जिससे कि बच्चे को प्रॉमिस का मतलब समझ आए। तो देखिए वो बहुत इंजॉय करता है एस्केलेटर पे, भागा भागा जाता है हाथ छुड़ा छुड़ा कर हमारा। और बस अब हम लोग वापस घर के लिए निकले हैं, ऑलरेडी 8:50 हो चुका है, बट 10 मिनट में ही हम घर पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। और आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय करी होगी। इफ सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आप नए आए हैं। तो फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।